सरवन जी, खुशखबरी मिला, बातचीत हुआ? हाँ, खुशखबरी तो मिला मिला, लड़का से भी बात हुआ। क्या हालचाल है? हाँ, बोला कि अभी तो ठीक है, लेकिन अभी चेक उक हो रहा था, अभी अभी बात हो रहा था, तो अभी बोल रहा है कि चेक उक होगा, अभी बाद में बताएंगे, अभी ठीक से बात नहीं हो पाई। आप लोग 17 दिन से बहुत परेशान थे? परेशान थे, और वो तो परेशान उधर रहिए थे, और इधर जो नया घटना हो गया इसमें से, तो अभी भी हम लोग आप उतना पूरा खुशहाल तो नहीं है। अभी क्या कीजिएगा, अभी 4 दिन भी नहीं हुआ है अभी इधर का घर परिवार का, तो फिर भी चलिए, एक तो जाने वाला चल गया, लेकिन एक वहां से तो खुशहाल निकल गया, इतना खुशी है, यही बोलना चाहेंगे। और क्या, सरकार से भी यही दुआ था कि भगवान से भी किया, चलिए खुशहाल निकाल दिया, और जितने सरकार है, केंद्र सरकार राज्य सरकार सब पूरा मदद लगाए, तो किसी तरह जिंदा वापस निकाला मेहनत के, यही कहना चाहेंगे। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी कुमारी हुआ। बच्चा सब निकला, बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो डेली न्यूज सुबह शाम देखते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि सब सही सलामत अच्छी तरह से निकल जाए। और दीपावली के दिन ही ऐसा हुआ था, तो हम लोग अच्छी तरह से दीपावली भी नहीं मना पाए, जितना फटाका वगैरह था हम लोग का सब धरा का धरा रह गया। तभी सोच रहे जिस दिन वो लोग आएगा उस दिन सेलिब्रेट करेंगे दिवाली, हम लोग मनाएंगे, तो वही मनाएंगे, तो वही तैयारी कर रहे हम लोग। बहुत खुश है, रात से ही, रात में हम लोग न्यूज देखे तो बहुत अच्छा लगा, बोला चलो भगवान का धन्यवाद किए कि सब अच्छी तरह से निकल गया। तो बस यही अब इंतजार है कि कब वो लोग आएंगे तो देखेंगे, मिलेंगे, बस बहुत अच्छा धन्यवाद है ना उत्तराखंड सरकार को, भारत के सरकार को, सभी राज्य के सरकार को, जिन्होंने अपना योगदान दिया। और बहुत से बाहर से भी, जैसे अमेरिका से और भी कहीं कहीं से आए, सभी ने अपना योगदान दिया बहुत अच्छी तरह से। अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते तो शायद नामुमकिन था, मतलब नामुमकिन नहीं था लेकिन लेट होता, थोड़ा होता। हाँ, टाइम लगता, लेकिन इसमें भगवान का चमत्कार भी कह सकते हैं, ऊपर वाला का। और हम सभी ने यहाँ गाँव वालों ने बहुत प्रेयर किया अपना, मोदी जी का ही सबसे बड़ा हाथ है इसमें। अगर मोदी जी चाहे तभी इतना अच्छा से सब कुछ हो पाया, तो मोदी जी को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहते हैं हम सब, है ना, थैंक यू मोदी जी। और इसी तरह हमेशा आप हमारे, मतलब अपने देश के प्रति प्यार मतलब देते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। मेरा नाम तो ज्योति देवी है, ये मेरा मायके है। बहुत खुशी हो रहा है, मतलब ऐसा लगता था कि वहाँ ससुराल में रहते तो लगता था मतलब जान अटका हुआ इस टाइप से, कि कब वो लोग बाहर आएंगे, इस टाइप से लगता था। अब न्यूज देखे तो बहुत बहुत खुशी हुआ, सुबह सुबह न्यूज देखे तो बहुत बहुत ज्यादा, तो इतना खुशी हो रहा है क्या बताएं। ऐसा लग रहा है कि जब वो बच्चा आएगा तो साथ में उसी को बोले, हम तो ऐसे सोचे, इनको बोले भी सुबह में कि वो जब आएगा ना तो साथ में उसी को बोलेंगे तुम बाबू तुम पटाखा जलाओ तुम्हारे यहाँ से सेलिब्रेट करेंगे, इतना खुशी हो रहा था। हाँ, वो बहुत छोटा है बाबू, इतना छोटा था, हम बड़े थे। सरिता देवी है, क्या कहना चाहेंगे, मतलब ये दुनिया से मतलब सभी सरकार है, सभी मतलब भाइयों बहनों सब मेरा मदद किए हैं, मेरा 41 मजदूरों को, सभी मतलब मजदूर जितना था वहाँ अंदर में, सभी मतलब सबको बाहर निकालने के लिए सब वहाँ परेशान था, लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हुआ है कि अंधेरा था पहले, लेकिन आज दुनिया में इतना खुशहाली आया कि बहुत से ज्यादा बहुत आया खुशहाली। इसके बारे में ही कहना चाहूँगा, अंधेरा था पहले, अब अंधेरा से मतलब अब दिया जल जाएगा। मेरा यहाँ घर का साफ, हाँ, घर मतलब साफ सुथरा कर रहे हैं। दिवाली हम लोग अच्छे से मनाएंगे, दिवाली जिस दिन हम लोग घर में दिया नहीं जला था, लेकिन आज खुशी मनाएंगे, दिवाली जलाएंगे करेंगे। बेटा को तो नहीं देखे हैं, लेकिन वहाँ से तो बात आ रही है कि पूरा निकले हैं और निकल के हॉस्पिटल गया है, और जे कुछ है से मतलब यहाँ घर में खुशखबरी सबको रहिए, जाएंगे घर में तो सब मर मेहमान जितना है हम लोग के से सब मिल के, और हम लोग ठीक रहेंगे। कहके इंतजार का है, अब वहाँ हॉस्पिटल गया है तो आज भेजेंगे कि कल भेजेंगे, तो यही वाला अब सोचते रहते हैं, खबर अभी नहीं दिया है। और यहाँ सोच रहे हैं कि आएगा तो कहीं कहीं हम लोग के सर सामान लेके तो नहीं जुगाड़ कर पाएंगे, तो फिर आगे तो हम लोग के यहाँ चाहिए तो चाहिए, वो जैसे आएगा तैसे भगवान के दुआ से हम लोग के घर पहुँचेगा और उसको तुरंत देंगे, जहाँ जहाँ घर गच्छित किए हैं वहाँ वहाँ देना होगा।